और ये आगे बढ़ते हैं। उधर पीएम हाउसिंग स्कीम के जरिए फ्लैट आवंटन में एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और डूडा पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य लोगों को भी फ्लैट आवंटन की पात्रता लिस्ट में शामिल किया गया। अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई ने जीडीए से प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े तमाम दस्तावेज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से मांगे हैं। पीएम आवास योजना के तहत बने इन फ्लैट्स के आवंटन को लेकर कई बार धांधली उजागर करने के लिए आवाज उठ चुकी है, लेकिन अब जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और डूडा सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। अब सीबीआई ने जीडीए से वो दस्तावेज मांगे हैं जिसमें आवंटियों की डिटेल है। वो मैक्सिमम सूची नेक्स्ट टू डेज में अवेल करा दिया जाएगा। जितने भी पात्र लाभार्थियों का सूची डूडा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है उनको अराउंड 1600 आवास लॉटरी के माध्यम से बांट दिया गया है। जो मेन फॉर्म्स हैं वो हम लोग उपलब्ध करा देंगे उनको, ताकि वो उसको चेक कर लें। अगर कोई इश्यूज होगा तो फिर विल लेट यू नो। अब समझिए जीडीए और डूडा पर आरोप क्या लगा। दरअसल लोनी से विधायक नंदकिशोर गुजर ने सबसे पहले जीडीए को कटघरे में खड़ा किया था। नंदकिशोर गुजर के मुताबिक इस योजना में तमाम ऐसे लोग हैं जो पीएम हाउसिंग स्कीम में आवेदन ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। बावजूद इसके उन्हें फ्लैट आवंटन के लिए योग्य समझा गया, उन्हें बिना जांच परख से स्कीम का लाभ दिया गया। नंदकिशोर गुजर की माने तो ऐसे लोगों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी शामिल हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता तक नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत कराया था कि लोनी में जो मकान बनाए गए हैं वो अधिकारियों ने साठ गांठ करके पैसे लेकर के ऐसे लोगों को जो है पात्र है उनको, वो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनको अलॉट कर दिए गए हैं। शुरू में लोगों को लगा कि मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन जो जांच में सामने आया है कि 1100 के लगभग मकान जो है वो अपात्र लोगों को हैं और 17-18 लोग जो मकान हैं वो ऐसे लोग जो बांग्लादेशी हैं रोहिंग्या उनको दिए गए हैं। ये गाजियाबाद की मधुबन बापूधाम योजना के तहत बने हुए फ्लैट हैं, जिनमें से 856 फ्लैट तैयार हो चुके हैं जो पीएम हाउसिंग स्कीम से तैयार हुए हैं। इन्हीं फ्लैट के आवंटन पर धांधली का आरोप जीडीए और डूडा पर लगा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन फ्लैटों का निर्माण कराया गया है उन्हीं के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तकरीबन 856 इन फ्लैट्स की संख्या है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को दिए गए हैं। दरअसल प्राधिकरण पर यह आरोप लगा है जो लोग अपात्र हैं उन लोगों को भी इन फ्लैट्स का आवंटन किया गया है। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तकरीबन 1200 लोगों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना को लेकर कई बार घोटाले की बात सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। इस सिलसिले में गाजियाबाद नगर निगम में पार्षद और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड मेंबर हिमांशु मित्तल ने भी जीडीए के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। 2020 में मैंने ये लिखित में शिकायत जो है इनको दी थी और इन्होंने कहा था कि हम इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इसमें बेसिक रूप से ऐसा हुआ था जो अपात्र लोग थे उनको भी पात्र दिखाया गया है, जैसे कि सीनियर सिटीजन में 20 और 25 साल के व्यक्तियों को सीनियर सिटीजन में दिखाया गया है। 20 और 25 साल का सीनियर सिटीजन हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म ऐसे थे जिसमें उनके प्रमाण पत्र नहीं लगे थे, ओबीसी का, अनुसूचित जाति का, लेकिन उनको फिर भी लॉटरी में शामिल किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और डूडा ये दोनों विभाग अब सीबीआई की रडार पर हैं। दरअसल गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तरफ से तकरीबन 1200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिया गया था और इसमें अब यह आरोप लग रहा है जिन लोगों को फायदा पहुंचाया गया वो अपात्र लोग हैं और उसी की जांच अब सीबीआई कर रही है। आखिर किन किन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट दिए गए और इसके पीछे आधार क्या है, क्या दस्तावेजों की जाँच की गई, क्या वो आवंटन के लिए योग्य थे भी या नहीं, इन सारे तथ्यों की अनदेखी से एक बड़े घोटाले की बू आती है जिसकी जांच अब सीबीआई के जिम्मे है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।